घर पे कौन है? मम्मी पापा। झूठ मत बोलो, मम्मी पापा कल से बाहर गए हो तो अभी घर पे कहाँ से आ गए? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं वही कह रही थी, घर पे मम्मी पापा नहीं आए। क्या सुन रहे हो तुम कुत्तों के कहने? यहाँ पे कौन आया था? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें अच्छे से पता मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी का बेटा का मेरे पास कॉल आया था और उसने कहा कि तुम्हारे घर पे किसी लड़के को घुसते हुए देखा है। शर्मा जी का बेटा? हाँ शर्मा जी का बेटा। मुझे लगा ही था ये शर्मा जी का बेटा होगा ही दल्ला। क्या मतलब? मतलब बेबी वो कोई लड़का नहीं था, वो पीयू थी, उसको लगा कोई लड़का होगा। अच्छा तो उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद लंच करने गए थे, पीयू ने ट्रीट दिया था। उसके बाद? उसके बाद शॉपिंग करने गए थे। मैंने एक नया लिपस्टिक भी लिया, देखो। तुम भी ना खामखा मुझ पे शक करते रहते हो। अच्छा ठीक है तो कॉल करो पीयू को। कॉल करूं मैं पीयू को? हाँ। तुम ये चाहती हो मैं पीयू को कॉल करूं? हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तुम पीयू को कॉल करो। क्यों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए? तुम अगर हमेशा मेरे फ्रेंड को कॉल कर सकते हो तो अगर मैं तुम्हारे फ्रेंड को एक बार कॉल कर लूँ तो क्या हो जाएगा, है ना? कॉल करो। ठीक है अगर इसे तुम्हारा शक दूर हो जाता है तो कॉल कर लेती हूँ। करो। ना 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 ना। स्पीकर। हाँ बोल। बेबी हो गया तुम लोगों का? नहीं पूछो अब कि आज दोपहर को कहाँ गई थी। बेबी हम आज दोपहर को कहाँ गए थे? लाल दुपट्टा। लाल दुपट्टा? अरे हाँ तुझे पता नहीं मेरा फेवरेट सॉन्ग है लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। अरे बेबी तुमने वो गाना नहीं सुना है क्या? लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। हाँ हाँ बहुत सुना है, मुझको पियाने देख लिया आए रे धोखे से। Exactly, तुम कितने talented हो। अरे हम कल लंच पे गए थे तू भूल गई? सुना सुना। हाँ हाँ अब पूछो उसके बाद कहाँ गए थे। अच्छा बेबी हम उसके बाद कहाँ गए थे? इसमें हंसने की क्या बात है? हा, 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 या फिर से बोलना तो। शॉपिंग करने गए थे क्या यार, तू भूल जाती है क्या बार बार? अब पूछो क्या खरीदा था तुम लोगों ने? अच्छा बेबी हमने क्या शॉपिंग किया था? कुतिया। तुम उसे गाली क्यों दे रही हो? बोल ना रे कुतिया, चुप क्यों हो गई? ऐसे किसी को गाली नहीं देते। छुड़ा है घायल बोलेगी भी कुछ। लिपस्टिक कल हम लोग ने लिपस्टिक खरीदा था, भूल गई क्या कुत्ती कहीं की? हाँ सॉरी बेबी तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, एक्चुअली यहाँ पे कोई है जो अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पे शक किए जा रहा है। मेरी गलती? मैंने कौन सी गलती की? अच्छा मैं बताऊँ कल रात तुम कहाँ थे? कल रात मैं पूरी रात मैच देख रहा था। किसके साथ? मेरे दोस्त साहिल के साथ। मैं कैसे यकीन करूँ तुम पे? ठीक है मैं साहिल को कॉल करता हूँ। अरे बेबी नहीं 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 मैंने यकीन कर लिया, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है बेबी। अरे बेबी मैंने यकीन कर लिया। ये क्या कर रही हो तुम? मेरी सफाई गंदा हो गया है ना।
हेलो साहिल, खाना खाया तूने? खाना? भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। सॉरी भाई, खाना खाया तूने? खाना? भाई बोलना, खाना खाया या नहीं? अच्छा वो छोर, कलम कहाँ थे रात को? कुत्ते? हम कल पूरी रात मेरे घर पे मैच देख रहे थे। अरे थैंक यू भाई, चल अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। ठीक है बाय। देख लिया, हमेशा मुझ पे सिर्फ शक करो तुम। मैं शक करती हूँ तुम पे? तो क्या करती हो तुम? क्या करते हो? अरे मैंने तो सिर्फ आज किया, तुम तो हमेशा का करती हो। और पता नहीं तुमसे तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया होगा। मैंने क्या छुपाया? तुमने छुपाया? मैंने छुपाया? हाँ छुपाया। और तो तुमने जो छुपाया वो लड़की के बारे में? तुम लोगों को तो रोज का है यार, मैं साहिल को फोन करती हूँ। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? पर तुम्हें क्या हुआ? मेरे पापा की तबीयत खराब है, मैं उनको लेके आया हूँ। पर पापा को तो हम लोग आज ही डिस्चार्ज करके लेके आए थे ना? वो अचानक फिर से तबीयत खराब हो गया तो उनको लेके आना पड़ा। सिर्फ आज क्या, तुम तो हमेशा का करती हो। और पता नहीं तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया होगा। मैंने क्या छुपाया? तुमने छुपाया? मैंने छुपाया? हाँ छुपाया। हाँ तो तुमने जो छुपाया वो लड़की के बारे में? कौन सी लड़की के बारे में? वो लड़की जो तुम रात रात को बात करते थे, रात रात को उससे मिलने जाते थे, उसका क्या है? अरे तुम मेरे फोन पे हमेशा रहती हो तो तुम कहाँ से देख लेती हो लड़की को? तुम जो उस लड़की के साथ मेरे पास तक। चल मैं रखता हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बेबी बोलो मैं सॉरी तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। कल हमारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। अच्छा लास्ट ईयर का बर्थडे याद है? मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। और हम लोग ने वो बर्थडे पार्टी पे जो एंजॉय किया था ना साल मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, साले हरामी कह के मुझे सब पता चल गया। साले कमीने, मैं तुझे 10 साल से जानता हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ? रुक तुझे मैं बताती हूँ। साले हरामी, तू अपने बॉक्सर में खड़ा हुआ है यहाँ और तू कल्पना के घर पे उसके सोफे के पीछे क्या कर रहा है? तू कुत्ता, तुम रुको एक मिनट। वो मैं हॉस्पिटल में था तो मेरा फोन गिर गया, तो मैं नीचे गया फोन ढूंढने तो मेरा पेन खुल गया। कितना अजीब बात है ना। तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ। नहीं नहीं, तू भी तो कल रात मेरी गर्लफ्रेंड के साथ था। तूने आज तक मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? तूने भी तो मुझे नहीं बताया। तू बोल रही है हरामी, मैं आती हूँ। अगर तू जान पर नहीं मारा तो मेरा नाम भी कल्पना नहीं है। लगता है आज ये दोनों एक दूसरे को मार ही डालेंगे। सही कहा भाई। सॉरी भाई, कल रात तेरे गर्लफ्रेंड के साथ जो भी हुआ उसके लिए सॉरी भाई। मैं भी तेरी गर्लफ्रेंड के साथ। लगता है हमारा हिसाब बराबर हो गया। सही कहा भाई। साली कुतिया, तू अब मिल मुझे, तुझे मैं अब छोड़ूंगी नहीं। तू कहाँ पे है? लगता है मुझे निकलना पड़ेगा। बाइक चाहिए? नहीं, मुझे भागना पड़ेगा। पैंट पहन ले। नहीं, अब तूने देख ही लिया अब किसका डर। वो भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी एंड शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाइए एंड फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।